आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज शोरमा। तो आओ शुरू करते हैं। रोटी, ये रोटी मैंने घर में ही बना दिया है, और ये कोथमीर पुदीना और मिर्ची लहसुन डाल के मैंने चटनी बनाया है। आप सबको तो आती होगी। ये मेयोनीज है, मेयोनीज में मैंने 5-6 लहसुन की कली लेके उसे पीस किया और इसमें मिक्स कर लिया था। तो इसे भी लगा देना है। चिकन को मैंने काली मिर्च और नमक डाल के बॉईल किया है। तो ये चिकन इसमें डाल देंगे हम। आप लोगों को जितना खाना है, और फ्रेंच फ्राइज ये तो आप सबको आता होगा बनाने। और ये बीटरूट है और इसमें मिर्ची है। अच्छा सामी, हमने इसे किस में भिगा के रखा था? ऑलिव ऑयल। अच्छा, तो ये 1 घंटे के लिए हमने इसे भिगा के रखा था। और ये अभी हम डाल रहे हैं लेटोस। लेटोस नहीं है आपके पास तो आप लोग कैबेज भी डाल सकते हो, पर अगर लेटोस डालोगे तो बहुत टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे चीज़। तो चीज़ को ग्रेट कर रही हूँ। खीरे चीज़ डाल के हो गया, अभी हम इसे पैक कर देंगे। ये हमारा रोल हो चुका है तैयार। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने फॉइल पेपर में ही रैप कर दिया उसे। आप लोग बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फिर मुझे ओवन में गर्म भी करना था। और ऊपर से थोड़ा सा गार्लिक सॉस डाल दिया। अब हम बिना चीज़ वाला एक और एक शोरमा बताएंगे। रोटी एकदम पतली ही बनाना, जितना पतला बनाओगे रोटी को तो उतना अच्छा शोरमा बनेगा। और इस पर ग्रीन चटनी, ये मेयोनीज मीन्स गार्लिक सॉस, अब हम इसमें डाल लेंगे चिकन। ये वही चिकन है काले में जो नमक डाल के बॉईल किया था। और ये फ्रेंच फ्राइज, निटोस, बीटरूट, इसमें भी ऊपर से पीरी पीरी डाल देंगे हम। गार्लिक सॉस का एक और एक लेयर डाल देंगे। अब हम इसे पैक कर देंगे। हमारा सेकेंड रोल भी हो चुका है तैयार। अभी थोड़ा आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा उसे गार्निश कर रही हूँ। ये ऊपर से थोड़ा चिकन डाल दे। तो सामिया देखो, हमारा शोरमा हो चुका है तैयार। ये जिदान हमारे सामने ही बैठा है। यम्मी। तो ये फ्रेंच फ्राइज पे थोड़ा पीरी पीरी डाल रहे हैं तो उससे टेस्ट आता है अच्छा। तो बहुत ही अच्छा बनता है, और घर में ट्राई कीजिए आप लोग भी। अच्छा लगे तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे टैग करना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मम्मा को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। जरा तुम कुछ बोलोगे? मुझे तो देख के ही मुँह में पानी आ गया। ओहो, खाने की इच्छा हो रही है। अल्लाह हाफिज़। तू हमें याद रखना, और जब तक कि खाती रहो खाती रहो खाती रहो।